वो क्या सोचते हैं कि एक चैनल पे हमारा मोनेटाइज हो गया, उससे पैसे मिल रहे हैं, और अगर हम एक चैनल को और बना लेते हैं तो वहाँ से भी थोड़े बहुत पैसे मिलने लगेंगे, और इधर से थोड़ा बहुत मिलेगा और उधर से भी मिलेगा, तो मेरा दो चैनल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आप एक चैनल बना लिए, आपका मोनेटाइज है, पैसे मिल रहे हैं, तो आप उसी पर टाइम दो, क्योंकि दो चैनल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप तो बना लेंगे दो चैनल, लेकिन इस पर भी आपको वीडियो बना के अपलोड करना है, उसको माइनस करना है, और उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करना है, उसको भी माइनस करना है, तो दिमाग आपका दो साइड बट जाएगा। अगर यही चीज़ फेसबुक रहे, तो मान लो एक वीडियो आपने बनाया, यूट्यूब पे डाल दिया, और वही वीडियो उतनी ही मेहनत में आपने फेसबुक पे डाल दिया, वही वीडियो, तो एक मेहनत में दो चैनल समझ लो खड़ा हो गया, दो तरीके से आप पैसे कमा रहे हो। लेकिन अगर यूट्यूब पे देखें, तो यूट्यूब पे अगर आपने कोई वीडियो बनाया और पहले वाले चैनल पे डाल दिया, तो वो वीडियो आप दूसरे चैनल पे नहीं यूज कर सकते हो, नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब ऐसा अलाउड नहीं करता। तो मैं तो कहूँगा कि एक ही भी मेहनत करो, अच्छे से करो। अगर दो चैनल बनाओगे तो उस पर थोड़ा माइनेज करना आपको दिक्कत हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और फिर आपको बाद में एक चैनल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक ही बनाओ, अच्छे से बनाओ, उसी पर मेहनत करो, और ताकि आपके सब्सक्राइबर लगातार आपको देखते रहें। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास अगर एक चैनल है तो हमें एक ही पे फोकस करना चाहिए, दो नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नन्हेलाल टेक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो मैं आप सबके बीच लाता रहूँगा।